हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। एक बार फिर हिंदी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका और आपकी दोस्त तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाई अमित पब्लिकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं पाठ 10, जिसका शीर्षक है अपना काम स्वयं करें। आप अपने कमरे को किस तरह से रखते हो, अच्छा रखते हो या गंदा रखते हो। ये जो दो चित्र बने हुए हैं हम इस पे देख रहे हैं ना, तो बच्चों हमें ये चित्र में दिख रहा है कि कमरा बिल्कुल सही व्यवस्थित है, और इस कमरे में दिख रहा है चेयर भी गिरी हुई है, लालटेन भी नीचे गिरी हुई है, टेबल लैंप सीनरी भी टेढ़ी है, तकिया भी इधर गिरा हुआ है, फूलदान भी पड़ा हुआ है, तो कितना गंदा लग रहा है कमरा, है ना। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना घर, अपना कमरा जो है सब कुछ बहुत व्यवस्थित रखना चाहिए और अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। चलिए पाठ प्रवेश। प्रत्येक प्राणी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। जब हम अपना कार्य स्वयं करते हैं तो अपने स्वाभाविक क्षमताओं को विकसित करते हैं और नए अनुभव प्राप्त करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओहो वंशिका, ये अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है, कहते हुए मम्मी कमरे की साफ सफाई करने लगी। मम्मी रुकिए, कहते हुए वंशिका ने उनके हाथ से सामान खींच लिया। मम्मी ने कहा, क्यों आज मेरी वंशु फिर किसी का कुछ सामान गलती से घर ले आई है क्या, जो मुझसे छुपा रही है। नहीं मम्मी, आज से मैं अपने सभी काम स्वयं करूंगी, यानी कि मैं खुद करूंगी। अच्छा जी, बिटिया रानी को ये शिक्षा किसने दी, जरा मुझे भी तो पता चले। मम्मी, हमारे शिक्षक ने मुझे सिखाया। शिक्षक ने, माँ आश्चर्यचकित होकर पूछती है। चेहरे के हाव भाव बदलती हुई अपने नन्हे हाथों को हिलाते हुए वंशिका कहती है, हाँ मम्मी, कल हमारे शिक्षक पुस्तकों से नहीं पढ़ा रहे थे, मतलब हमें किताबों से, हमें बुक से नहीं पढ़ा रहे थे। वे हमें अपने साथ विद्यालय की नाट्यशाला, यानी कि जहाँ पर नाटक होते हैं, जहाँ पे गे प्ले होता है, वहां लेके गए। प्ले मतलब कि जहाँ पे प्रैक्टिस होती है, नाटक की प्रैक्टिस होती है, एकांकी की प्रैक्टिस होती है, उसे बोलते हैं नाट्यशाला। माँ भी वंशिका की मीठी बातों में रुचि लेते हुए बीच बीच में उससे पूछती जाती, अच्छा फिर। मम्मी, वे हमें बहुत पुरानी कहानी सुनाने लगे। पर जानती हो मम्मी, नहीं तो मैं कुछ नहीं जानती, तुम ही बताओ ना। माँ ने कहा, ओहो मम्मी बीच में मत बोलिए ना। बेटी की प्यारी सी चिड़ को देखकर मम्मी ने भी अपने मुंह पर उंगली रख ली। हाँ तो मैं बता रही थी कि शिक्षकों ने हमें बहुत पुरानी कहानी बिल्कुल नए तरीके से अभिनय के माध्यम से सुनाई। बड़े बच्चों ने कपड़े भी पात्रों के अनुसार ही पहन रखे थे। आपको पता है वे सब कितने अलग अलग लग रहे थे। माँ ने मुंह पर उंगली रखे दिखाते हुए सिर से ऐसे से न में सिर हिला दिया। वंशिका ने कहा, बहुत अच्छी मम्मी, कहकर उन्हें गले लगा लिया। हाँ तो फिर वे हमें कहानी सुनाने लगे। एक बार छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी एक छोटे से स्टेशन पे केवल 2 मिनट के लिए ही रुकी। स्टेशन मास्टर पुरानी सी लालटेन लेकर आए और यात्रियों को बताने लगे कि यहाँ पर कुली नहीं मिलेगा, अपना सामान स्वयं उठाएं। फिर भी एक सूट बूट वाले व्यक्ति कुली कुली आवाज लगाते जा रहे थे। उनका नाम मनमोहन था। स्टेशन मास्टर ने उनसे फिर कहा, यहाँ कुली नहीं मिलेगा साहब। वे नाराज होने लगे कि फिर मेरा सामान कौन उठाएगा। स्टेशन मास्टर ने उनसे कहा, अपना सामान स्वयं उठाएं। इतने में सरल से दिखने वाले, मतलब सीधे साधे सरल से दिखने वाले एक व्यक्ति आए और कहा कि लाइए आपका सामान, मैं उठा देता हूँ। कहाँ चलना है बताइए। स्टेशन मास्टर उनका परिचय देते इससे पहले ही उन्होंने क्या कहा, चुप रहने का संकेत दे दिया। चुप संकेत मतलब इशारा कर दिया। मनमोहन ने कहा कि मुझे एक विशेष व्यक्ति ईश्वरचंद विद्यासागर जी के यहाँ मिलने जाना है, बहुत देर हो गई है, यदि तुम उनका घर जानते हो तो मुझे वहीं ले चलो। सामान उठाए हुए व्यक्ति एक घर की ओर चल पड़े, दरवाजा खोलकर कुर्सी दी और कहा, आइए बैठिए, आपको क्या काम है। मैं ही ईश्वरचंद विद्यासागर हूँ। देखा, वो वही ईश्वरचंद विद्यासागर थे, उन्होंने उनका सामान उठा लिया था।
मनमोहन बहुत शर्मिंदा हुए कि मैंने इतने महान व्यक्ति से अपना सामान उठाया। क्षमा मांगते हुए वे ईश्वरचंद विद्यासागर के चरणों में गिर पड़े और उन्हें एहसास हो गया कि मुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए था। अच्छा, तो तुमने मनमोहन से अपना काम स्वयं सीखा करना सीखा? नहीं मम्मी, शिक्षक से सीखा, ईश्वरचंद विद्यासागर जी से सीखा। ये वही ईश्वरचंद जी है ना जो बहुत बड़े समाज सुधारक और परोपकारी व्यक्ति थे। हाँ मम्मी, शिक्षक ने हमें और भी बहुत सी बातें बताई। उसी समय हम सब बच्चों ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम भी अपना काम स्वयं करेंगे, मतलब हम अपना काम खुद क्या करेंगे, हम किसी से नहीं करवाएंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसे सीखा भी होगा। तो चलिए अब हम करते हैं कठिन शब्द। स्वयं, माध्यम, कुली, आश्चर्यचकित, परोपकारी, विशेष, हाव भाव, निश्चय, व्यक्ति, नाट्यशाला, स्टेशन मास्टर और शर्मिंदा, अभिनय, यात्री एंड पार्थ। और अब है शब्दार्थ। स्वयं का अर्थ है अपने आप, आश्चर्यचकित मतलब विस्मय से, हाव भाव का अर्थ है शारीरिक, नाट्यशाला यानी नाटकशाला, अभिनय का अर्थ है नाटक, पात्र का मतलब नाटक के पात्र, अनुसार का अर्थ है अनुकूल, लालटेन यानी रोशनी के लिए, तेल से जलाया जाने वाला लैम्प, यात्री यानी कुली, यात्री का अर्थ है मुसाफिर, कुली का अर्थ है बोझा ढोने वाला, विशेष का अर्थ है कुछ अलग, शर्मिंदा यानी लज्जित होना, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला, दृश्य यानी कि दृढ़ निश्चय यानी कि मजबूत इरादा, और यात्री का अर्थ है मुसाफिर, कुली का अर्थ है बोझा ढोने वाला। तो बच्चों, अभी हमने क्या किया? अभी हमने किए थे शब्दों के अर्थ। और अब पूछा है स्टेशन पर कुली क्यों नहीं रहा होगा? बच्चों, स्टेशन पर कुली इसलिए नहीं रहा होगा क्योंकि वह स्टेशन बहुत छोटा सा था, जहां पर गाड़ी जो थी छुक छुक गाड़ी सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती थी। मनमोहन स्टेशन पर उतरते ही किसे आवाज देने लगा? मनमोहन स्टेशन पर उतरते ही कुली कुली की आवाज देने लगा। जब आप बाहर जाते हो तो आपका सामान कौन उठाता है? बच्चों, जब हम बाहर जाते हैं तो अगर थोड़ा सा सामान होता है तो हम स्वयं ही उठा लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सामान होता है तो कुली से ही हम सामान उठवाते हैं। हमें अनजान लोगों से अपना सामान क्यों नहीं उठवाना चाहिए? हमें अनजान लोगों से हमें सामान इसलिए नहीं उठाना चाहिए बच्चों, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वह इंसान जो है, वो जो है जिससे हम सामान उठवा रहे हैं, वो कैसा है, कहीं कोई बदमाश या कोई उचक्का तो नहीं है। इसीलिए हमें कभी भी अनजान लोगों से सामान नहीं उठवाना चाहिए। और अब हमसे पूछा गया है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। स्टेशन मास्टर के हाथ में क्या थी? टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन या ट्यूबलाइट? तो स्टेशन मास्टर के हाथ में थी लालटेन, तो हमने लालटेन के आगे टिक का निशान लगा दिया। और फिर है सूट बूट वाले व्यक्ति को किससे मिलना था? वंशिका से, कुली से, ईश्वरचंद विद्यासागर से या स्टेशन मास्टर से? सूट बूट वाले व्यक्ति को मिलना था ईश्वरचंद विद्यासागर से। अब है यात्रियों का सामान कौन उठाता है? कुली, शिक्षक, स्टेशन मास्टर या वंशिका? यात्रियों का सामान कुली उठाता है, तो हमने कुली के आगे सही का निशान लगा दिया। स्टेशन पर गाड़ी कितनी देर रुकी? 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट? स्टेशन पर गाड़ी सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी। और अगला है मनमोहन ईश्वरचंद विद्यासागर के गिर पड़े। कहाँ गिर पड़े? हाथों में, घर, चरणों में या नजरों में? मनमोहन ईश्वरचंद विद्यासागर के चरणों में गिर पड़े, तो हमने यहाँ पे लिख दिया चरणों में गिर पड़े। और अब हम चल रहे हैं, और अब हमसे पूछा गया है वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले है सूट बूट वाले व्यक्ति समाज सुधारक थे। जी नहीं, सूट बूट वाले व्यक्ति समाज सुधारक नहीं थे, वो तो ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलने आए थे, तो ये हमारा गलत है। वंशिका ने अपना काम स्वयं करना शिक्षक से सीखा। जी हाँ, वंशिका ने शिक्षक से अपना काम स्वयं करना सीखा था। स्टेशन मास्टर ने उनका सामान उठा लिया। जी नहीं, स्टेशन मास्टर ने नहीं बल्कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने उनका सामान उठाया था। वंशिका ने बताया कि अब वह अपना काम स्वयं करेगी। जी हाँ, वंशिका ने बताया कि वह अपना काम स्वयं करेगी, तो उसके आगे हमने सही का निशान लगा दिया। और हमारा अगला प्रश्न है किसने कहा, किससे कहा? ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? ये किसने कहा? ये तो
मम्मी ने कहा था, और किससे कहा था? वंशिका से। यहां कहीं कुली नहीं मिलेगा साहब, ये किसने कहा था? ये कहा था स्टेशन मास्टर ने। और किससे कहा था? किससे कहा था? मनमोहन से, जब वो कुली कुली की आवाज लगा रहे थे। कपड़े भी पात्रों के अनुसार पहने थे, ये किसने कहा था? ये कहा था वंशिका ने। और किससे कहा था? अपनी मम्मी से। वो बताना चाह रही थी मम्मी को कि सब हम नाट्यशाला गए थे और हमने किया था, कपड़े भी सबने जो थे पात्रों के अनुसार ही पहने रहे थे। अपना सामान स्वयं उठाएं, ये किसने कहा था? ये कहा था स्टेशन मास्टर ने। और किससे कहा था? मनमोहन से। आपका सामान मैं उठा देता हूं, ये किसने कहा था? ये कहा था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और किससे कहा था? ये कहा था मनमोहन जी से। मनमोहन से कहा था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ईश्वरचंद विद्यासागर ने मनमोहन से कहा था। तो अभी हमने क्या कहा किया बच्चों? अभी हमने किया किसने कहा और किससे कहा। और अब हम चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। मैं ही ईश्वरचंद विद्यासागर हूं। मनमोहन बड़ा शर्मिंदा हुए कि मैंने इतने महान व्यक्ति से अपना सामान उठवाया। क्षमा मांगते हुए वे ईश्वरचंद विद्यासागर के चरणों में गिर पड़े। उन्हें एहसास हो गया कि मुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए। अच्छा, तो तुमने मनमोहन से अपना काम स्वयं करना सीखा है? नहीं मम्मी, शिक्षक से सीखा है, ईश्वरचंद विद्यासागर जी से सीखा है। ये वही विद्या ईश्वरचंद जी है ना, जो बहुत बड़े समाज सुधारक और परोपकारी व्यक्ति थे। हाँ मम्मी, शिक्षक ने हमें और भी बहुत सी बातें बताई। उसी समय हम सब बच्चों ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम भी अपना काम स्वयं करेंगे। और अब पूछा है, कौन और क्यों शर्मिंदा हुए? कौन शर्मिंदा हुए थे? मनमोहन शर्मिंदा हुए थे। और वो क्यों शर्मिंदा हुए थे? जब उन्हें पता चला था उन्होंने अपना सारा सामान ईश्वरचंद विद्यासागर जी से उठवाया है। ईश्वरचंद विद्यासागर कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर एक बहुत बड़े समाज सुधारक और परोपकारी व्यक्ति हैं। बच्चों ने किस बात का दृढ़ निश्चय किया? बच्चों ने यह निश्चय किया कि वह अपना कार्य अब स्वयं करेंगे, किसी से भी अपना कार्य नहीं करवाएंगे। अनुच्छेद में संयुक्ताक्षर शब्द वाला शब्द खोजिए। अनुच्छेद में संयुक्ताक्षर वाला शब्द है समाज सुधारक। समाज सुधारक, समाज सुधारक और परोपकारी शब्दों के अर्थ। समाज सुधारक का अर्थ होता है जो समाज को सुधारता है, समाज में फैली गंदगी, समाज में फैली बुराइयों को दूर करता है, समाज में एक अच्छा वातावरण पैदा करता है। बच्चों उसको क्या बोलते हैं? समाज सुधारक। और परोपकारी, परोपकारी का अर्थ है परोपकार करने वाला, यानी कि सबका भला करने वाला, दयालु, जो दयालु होता है और दूसरों का भी भला करता है, उसको बोलते हैं परोपकारी, यानी परोपकार करना। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। वंशिका माँ को क्या बताना चाह रही थी? वंशिका माँ को बताना चाह रही थी कि माँ अब ये वाला जो आज से मैं अपना कार्य स्वयं करूंगी, मेरा कोई कार्य जो कोई और नहीं करेगा, अपना कार्य मैं खुद अपने आप करूंगी। नाटक के बाद बच्चों ने क्या निर्णय लिया? नाटक के बाद बच्चों ने यह निर्णय लिया कि आज से सब बच्चे अपना कार्य खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। ईश्वरचंद विद्यासागर जी की विशेषताएं लिखो। ईश्वरचंद विद्यासागर एक बहुत बड़े समाज सुधारक और एक बहुत परोपकारी व्यक्ति थे। सच का पता चलने पर मनमोहन ने क्या किया? सच का पता चलने पर मनमोहन ईश्वरचंद विद्यासागर के चरणों में गिर पड़े और उनसे शर्मिंदा मांगने लगे, उनसे क्षमा मांगने लगे। बहुत शर्मिंदा हो गए थे और उनसे क्षमा मांगने लगे। मनमोहन का सामान उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? मनमोहन का सामान उठाने वाले व्यक्ति ईश्वरचंद विद्यासागर थे। वंशिका ने माँ के हाथ से सामान क्यों खींच लिया? वंशिका ने माँ के हाथ से सामान खींच लिया कि नहीं माँ, अब आप नहीं करेंगी, अब अपना काम मैं स्वयं खुद करूंगी। इसलिए उसने अपनी माँ के हाथ से सामान खींच लिया था। और बच्चों ये पाठ यही समाप्त होता है और हम आशा करते हैं कि आपने इस पाठ से
कुछ जरूर सीखा होगा। और वो क्या सीखा होगा कि हम अपना कार्य स्वयं करेंगे, हम किसी और से अपना कार्य नहीं करवाएंगे। तो इसके साथ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। आभार।